हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन कस्टडी बाय अनिता देसाई के समरी को। अगर आप BBMKU BA इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और ऑनर्स आपका इंग्लिश है, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि कोर पेपर 11 में ये जो नॉवल है ये प्रिस्क्राइब्ड है। तो चलिए अब देखते हैं इन कस्टडी के समरी को, लाइन बाय लाइन इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इन कस्टडी इज अ नॉवल रिटेन बाय इंडियन ऑथर अनिता देसाई। इन कस्टडी एक नॉवल है जिसे लिखा था एक इंडियन ऑथर ने, जिसका नाम है अनिता देसाई। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1984, और इस नॉवल को पहली बार 1984 में पब्लिश कराया गया था। 1984 में पहली बार इसे पब्लिश कराया गया था। अगर हम बात करें इस नॉवल के ऑथर के बारे में, मतलब कि अनिता देसाई के बारे में, तो इसके बायोग्राफी को भी इस चैनल में पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। द स्टोरी इज सेट इन इंडिया एंड रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ अ मैन नेम्ड देवेन शर्मा। ये जो स्टोरी है वो सेट है इंडिया में, जो कि बताता है किसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है, तो देवेन शर्मा के अराउंड ये रिवॉल्व करता है। ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है देवेन शर्मा की कहानी पर। देवेन शर्मा की कहानी को बताता है ये नॉवल। हु इज़ अ मिडिल एज्ड हिंदी लेक्चरर एंड अ पोइट। और ये जो है देवेन शर्मा, ये हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है इस नॉवल का, जो कि एक मिडिल एज्ड हिंदी लेक्चरर है, और साथ ही साथ वह पोएम्स भी लिखा करता है, मतलब कि एक पोइट भी है। देवेन शर्मा इज एन आइडियलिस्टिक एंड पैशनेट मैन हु ड्रीम्स ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देवेन शर्मा एक आइडियलिस्टिक है और वो एक पैशनेट मैन है, काफ़ी जुनून है उसके अंदर, और वो ड्रीम करता है, किस चीज़ का ड्रीम है, तो प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वो क्या चाहता है कि वो उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू लिटरेचर को वो प्रिजर्व करके रखे, वो उसे प्रमोट करे, क्योंकि उन दिनों जो उर्दू लैंग्वेज था, जो उर्दू लिटरेचर था, वो डिक्लाइन हो रहा था। इसलिए ये जो लेक्चरर है देवेन शर्मा, वो उसे प्रमोट करना चाहता है। और ये वैसे तो है हिंदी लेक्चरर, पर वो सिर्फ अपने मजबूरी के कारण हिंदी लेक्चरर है। देवेन शर्मा सिर्फ अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिंदी लेक्चरर बना है, पर वो बनना चाहता था उर्दू लेक्चरर, और उस वह उर्दू को ही प्रमोट करना चाहता था। ही इज़ अ डेडिकेटेड टीचर एंड हैज़ अ डीप लवर ही इज़ अ डेडिकेटेड टीचर एंड हैज़ अ डीप लव फॉर पोइट्री। जो देवेन शर्मा है वो एक डेडिकेटेड टीचर है और उसे काफ़ी प्यार है पोइट्री के तरफ, उसे पोइट्री पढ़ना लिखना पसंद है, और ख़ास करके उर्दू पोइट्री पढ़ना पसंद है उसे। However, his life takes a turn when he receives an opportunity to interview Noor. उसका जो life है वो बदल जाता है जब उसे मिलता है एक opportunity. क्या opportunity था? तो interview लेने का Noor का. Noor कौन है? तो Noor एक renowned and reclusive poet है. ये एक उर्दू poet है जो काफ़ी जाना माना प्रसिद्ध poet है उर्दू का, Noor जिसका नाम है। Noor is considered a literary genius. Noor एक literary genius है, and the interview would be a prestigious accomplishment for Devin's career. और Devin तो Noor का काफ़ी ही प्रशंसक रहा है, और जब उसे opportunity मिलता है कि वह Noor का interview ले, तो वो खुश हो जाता है। वो उसे लगता है कि Noor के साथ जो उसका interview होगा वो उसका life का एक उपलब्धि होगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। देवेन बिकम्स कंज्यूम्ड बाय द आइडिया ऑफ मीटिंग Noor एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यू। देवेन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है इस आइडिया के साथ कि वो Noor से मिलेगा, Noor का इंटरव्यू लेगा। आप खुद ही सोचिए, आप किसी हीरो के फैन हैं और आपको पता चल रहा है कि आप उसको कि आप उसी हीरो का इंटरव्यू लेना है आपको, तो आप कितने खुश हो जाएंगे। सेम यही काम अभी देवेन शर्मा के साथ हुआ है। वो काफ़ी प्रशंसक था Noor का, और उसे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो Noor का इंटरव्यू ले। इन हिज परसूट ऑफ दिस गोल ही ट्रेवल्स टू दिल्ली वेयर Noor लिव्स। Noor कहाँ रहता है? तो दिल्ली,
और उसे अब पता है कि उसे नूर का इंटरव्यू लेना है, तो अपने इसी काम के लिए, इसी गोल के लिए उसे दिल्ली ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि नूर जो रहता है वो दिल्ली में रहता है, विद द होप ऑफ सिक्योरिंग द इंटरव्यू, ताकि वो इंटरव्यू जो नूर के साथ होने वाला है उसका, उसे सिक्योर कर सके। हाउएवर, बहरहाल, व्हेन देवेन फाइनली मीट्स नूर, जब वो देवेन नूर से मिलता है, ही फाइंड्स दैट द पॉट इज नॉट वॉट ही हैड इमेजिन्ड। अब क्या होता है कि जब वो मिलता है देवेन शर्मा नूर से, तो उसे पता चलता है कि जिस तरह का कल्पना उन्होंने नूर के लिए अपने माइंड में बनाया था, जिस तरह से कल्पना की थी देवेन शर्मा ने नूर के लिए, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। नूर इज डिजिल्यूजेंड एंड बिटर मैन, फार रिमूव फ्रॉम द रोमांटिसाइज्ड इमेज देवेन हैड ऑफ हिम। नूर क्या है, एक डिजिल्यूजेंड और एक बिटर मैन है, काफी कड़वा आदमी है वो, जो कि उस इमेज से बिल्कुल अलग है। किस इमेज से अलग है, तो वो इमेज, वो रोमांटिसाइज्ड इमेज जो देवेन ने अपने माइंड में बनाया था नूर के लिए, उससे जो नूर है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। देवेन स्ट्रीम्स आर शैटर्ड एज ए विटनेसेस द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पॉइट्स पब्लिक इमेज एंड हिज प्राइवेट रियलिटी। देवेन का जो सपना होता है वो चकनाचूर हो जाता है जब वो पाता है कि जो नूर साहब हैं वो अपने पब्लिक लाइफ में तो कुछ और हैं, और अपने प्राइवेट रियलिटी जो है उनका वो कुछ अलग ही है। अपने निजी निजी जिंदगी में वो काफ़ी कड़वा आदमी है, और उसका जो पब्लिसिटी है पब्लिक में, वो एक अच्छा इंसान की तरह है, काफ़ी अच्छा इमेज था। और उसी अच्छे इमेज के कारण जो है देवेन शर्मा वो काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था नूर से, उसका एक अच्छा इमेज बन गया था नूर के लिए एक अच्छा इमेज बन गया था देवेन शर्मा के माइंड में। पर जैसे ही वो मिलता है तो उसका सच्चाई का पता चलता है, तो उसका जो सपना था, जिस तरह से सपना उस नूर के लिए बनाया था अपने माइंड में, वो चकनाचूर हो जाता है। एज द स्टोरी अनफोल्ड, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, देवेन्स जर्नी बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन एस्पिरेशंस एंड द चैलेंजेस ही फेसेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। देवेन का जो जर्नी है वो रिफ्लेक्शन बन जाता है, एक प्रतिबिंब बन जाता है। किस चीज़ का प्रतिबिंब, तो उसके खुद के एस्पिरेशन का, उसके खुद के आकांक्षाओं का, और उन चैलेंजेस का जो कि वो अपने लाइफ में फेस करता है इस बदलती दुनिया में। द नोवेल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी एंड द क्लेश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। और इस नोवेल का जो थीम्स है वो है लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी, पहचान, और एंड द क्लेश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। और जो क्लेश है, जो तनाव है ट्रेडिशन में, परंपरा और मॉडर्निटी, आधुनिकता के बीच, ये सारी थीम्स को ये नोवेल डील करती है। देवेन्स स्ट्रगल टू फाइंड हिज प्लेस इन अ रैपिडली इवॉल्विंग सोसाइटी कपल्ड विथ हिज डिसअपॉइंटमेंट इन हिज आइडियल फोर्सेस हिम टू कन्फ्रंट हिज ओन डिजायर्स एंड लिमिटेशंस। देवेन क्या चाहता था कि वो इस बदलती हुई सोसाइटी में, इस डेवलप करती हुई सोसाइटी में उसका भी एक अच्छा प्लेस हो, पर उसे लास्ट में क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। इन कस्टडी इज अ पॉइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आर्टिस्टिक परसूट, द क्लेश ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस एंड द हार्श रियलिटीज डेट कैन अंडरमाइन वंस एस्पिरेशन। ये जो नॉवल है इन कस्टडी, वो एक पॉइग्नेंट एक्सप्लोरेशन देता है, एक मार्मिक विवरण देता है किस चीज़ का, तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन आर्टिस्टिक परसूट का, जो जटिलताएं होती है कलात्मक खोज की, उनकी विवरण देता है। द क्लेश ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, कल्चर, संस्कृति और भाषा के बीच जो क्लेश है, इन सब के बारे में यह नॉवल बताता है, एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। और साथ ही साथ यह नॉवल इस चीज़ से भी डील करता है जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है सोसाइटी की, उससे भी यह डील करता है, जो कि किसी की आकांक्षाओं को कमजोर कर सकता है। द नॉवल ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज द नॉन्सेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, द इम्पैक्ट ऑफ डिजिल्यूजनमेंट एंड द कॉम्प्रोमाइज पीपल मेक इन देयर परसूट ऑफ देयर ड्रीम्स। यह नॉवल काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है
मानवीय रिश्तों की बारीकियों को, मानव के रिश्तों की जो बारीकियां होती उससे यह नॉवल डील करती है, उसे बताती है, और साथ ही साथ यह बताती है मोह भंग के इम्पैक्ट को। डिजिल्यूजनमेंट मीन्स होता है मोह भंग, और जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जो सेक्रीफाइजेस पीपल करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, इन सब चीज़ों से यह नॉवल डील करती है। यहाँ पर हमारा यह वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।